मेरे सो कॉल्ड इन लॉज ने मुझे शादी के बाद क्या दिया है, तो मैं वो आपको सब एक्सप्लेन कर दूंगी। अरे 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 हम बताएंगे और पूरा होम टूर मैं आपको एक बार करा चुकी हूँ ब्लॉग में, लेकिन इस होम टूर में क्या हमारा नहीं है वो मैं आपको बताऊंगी। हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका साक्षी और जितेश ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। माता रानी आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी खुशियां लाए। ये क्या था यो यो? गौरव कह रहा हूँ मैं, उसके लिए गुब्बारा फुला रहा था भाई। वीवो के लिए फूट गया, सो के उठेगा तो दो हजार नहीं। अच्छा तो अब हम जा रहे हैं, मैं नहावा ली हूँ, अजितेश भी नहा लिए हैं और पूजा की तैयारी करने, घर वर सब साफ हो गया, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ हो गया। तो यहाँ ये मैंने इस पे, यहाँ पे आपने देखा होगा गद्दे पड़े रहते हैं हमारे, एक अलग सा बिस्तर लगा होता है वीवो के लिए। तो यहाँ पे मैं माता रानी की चौकी रखूँगी, क्योंकि वैसे तो मेरा मंदिर बाहर है, लेकिन कहते हैं कि नवरात्र में देवी माँ को अपने साथ रखना चाहिए और हम लोग पूरे 9 दिन ज़मीन पर सोने वाले हैं, है ना यो यो? हाँ, क्योंकि मुझे याद है जब मैं अपने घर पर थी तो हम, मैं और मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर जमीन पर ही सोते थे जब हम लोग नवरात्र के फास्ट रखते थे। तो हमारे, मेरे और अजितेश के दोनों के 9 दिन के फास्ट हैं। अजितेश रखते हैं शुरू से 9 दिन के फास्ट, है ना? कब से रखते हो? 9 दिन तक। हाँ, मुझे काफ़ी समय हो गया, मतलब माता जी रखती थी तभी उन्होंने मुझे बता दिया था। मतलब मैं वैसे तो ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर पाता हूँ दोस्तों, मंदिर वंदिर चला जाता हूँ, लेकिन क्या बोलते हैं कि नवरात्रि के व्रत हर बार रखता हूँ, ये है मतलब मेरा। अब ये रखते 9 दिन तो? तक कोई ना खराब बातें करना, ना कोई परेशान करना, ये सबसे निवेदन है, ना कोई दुखी करना। हाँ। ना गलत बोलना, ना हमसे गलत सुनना, हम बिल्कुल शांत रहना चाहते हैं 9 दिन। 9 दिन के बाद देखा जाएगा। नहीं, आपको जबरदस्ती कुछ ज्यादा ही नौटंकी करनी नहीं है कि मतलब ऐसा नहीं है कि टाइम पीरियड में भी उंगली करोगे तो एक लिमिट तक बर्दाश्त कर लेंगे। तो माता का जगराता करते रहिए, खुश रहिए। अब मैं जा रही हूँ फूल लेने, फिर उसके बाद मैं चौकी रेडी करूंगी, मैंने चौकी वॉश कर दी है। तो यो यो मैं जा रही हूँ फूल ले आऊँ, है ना? गाइस ये कुर्ती देखो, मैंने मेहता टेक्सटाइल्स पे बनवाई है, ये अच्छी लग रही है। रेड थी, मैं इसे बर्थडे पे पहनने वाली थी, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से मैंने इसे नहीं पहना था। फिर नवरात्र है तो मैंने कहा कुछ रेड रेड हो जाए, तो इसलिए मैंने ये कुर्ती पहन ली। उसे दीदी के यहाँ पे आई हुई हूँ मैं, मुझे आसन चाहिए था तो वो लेने। आ गई थी अजंता व्रत की बर्फी लेने, भोग लगाने के लिए। कैसे दे रहे हो ये? 600 रुपये। गाइस देख सकते हैं आप लोग कि मैं चौकी रेडी कर रही हूँ माता रानी की। मैंने 2 चौकी इस्तेमाल की है ताकि मैं एक पे कलश रख सकूँ और एक पे माता रानी विराजमान कर सकूँ। इस पर पहले बिछाया है तूल वाला कपड़ा, फिर उसके बाद मैं ये प्यारा सा आसन लेके आई थी, इसको बिछाया है। इस पर मैं अपनी माता रानी विराजमान करूँगी। गाइस ये सामान लगा रही हूँ मैं टोकरी में, मैंने सबकी डिब्बियाँ बना ली हैं। लॉन्ग है, कपूर है, और लोगों, ये क्या है, गूगल। ये पता, ये मुझे तब पता चला था यो जब मेरा फर्स्ट नवरात्रि था तुम्हारे साथ कि ऐसा कुछ होता है, क्योंकि मेरे यहाँ ये चीज़ यूज नहीं हुई कभी भी। हवन सामग्री तुम्हें तो एक ही गूगल पता हुआ है। मुझे एक ही मेरा लल्ला उठ गया। अरे ये क्या कर रहे ये क्या कर रहे थे? अरे उठते ही चलो आगे बंद, ये था क्या यो? अरे फिर से देख पाओ। Very good. मम्मा को काम करने देना, नाटक मत करना। बैठ जाओ, डैडी पास बैठो। मेरे पास बैठोगे? बैठो, वेरी गुड।
तो गाइस फाइनली मेरा सिंहासन सज गया है देवी माँ का, देख सकते हैं आप लोग इधर इस चौकी पे मैंने देवी माँ को विराजमान किया है। और इधर कलश है, नारियल, और उधर उसमें मैं जौ जो उगाते हैं ना वो उगाऊंगी अभी। वेरी गुड, सही है। यो मैं कंडा रखा ही उस पे। कंडा, यही तो है तुम्हारा। कंडी, अरे मतलब कंडा ही बोलते हैं गांव में उसको, गोबर का कंडा। अग्यारी, सॉरी देवी माता अग्यारी पंडित जी। मतलब वो कंडा अभी हो रहा है तो फिर वो अग्यारी हो जाएगी उसके बाद जब। अच्छा अच्छा, अभी इतना भी ज्ञान हमें नहीं है। ठीक है, ठीक। सुनो तो गाइस, सुना दो सुना दो। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं कि मुझे मैसेज भी करते हैं कि साक्षी आपके सो कॉल्ड इन लॉज ने आपको क्या दिया है, मतलब इन 4 सालों में क्या गिफ्ट तो दिया। जैसे एक घर की बहू होती है, लड़के की वाइफ आती है, तो कुछ ना कुछ लोग देते हैं एज अ गिफ्ट। तो मुझे एज अ गिफ्ट क्या मिला है वो मैं आप लोग को आज बताना चाहूँगी। तो आप लोग मेरे साथ इसी तरह मेरे ब्लॉग में बने रहिए, हम लोग पूजा निपटा लें, उसके बाद कुछ पेट पूजा कर लें, भगवान जी का भोग लगा दें, फिर उसके बाद हम बताएंगे। और पूरा होम टूर मैं आपको एक बार करा चुकी हूँ ब्लॉग में, लेकिन इस होम टूर में क्या हमारा नहीं है वो मैं आपको बताऊंगी अच्छे से। तो आप लोग इसी तरह मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिए और ढेर सारा प्यार देते रहिए और माता का जगराता करते रहिए। जय माता दी। फाइनली गाइस पूजा डन, आरती भी हो गई और अग्यारी भी हो गई, सब कुछ हो गया, और इधर विमान भी आ गए, और बहुत अच्छा लग रहा है यार, सुकून सा मिल रहा है, क्योंकि फास्ट में तो अच्छा लगता है, अच्छा सा फील आता है। अच्छा यस, अच्छा सुनो अभी और तुम क्या खाओगे, मखाने मूंगफली के दाम दोनों चीजें खाओगे, चाय भी। चलो ठीक है, तो पहले तो हम क्या कहते हैं कुछ जो ये 5 मेवा का भोग लगाया अपन ने, तो इसका अपन थोड़ा सा सेवन करेंगे जो भोग है। फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हमें जाना है बहुत जरूरी काम से, एप्लीकेशन लिखवानी है। ठीक है, ठीक ठीक है। और गाइस को आज ये भी बताना है कि हमें हमारे ससुराल वालों ने क्या गिफ्ट दिया है। सवाल पूछे हैं तुमसे। चलो ठीक है, ठीक है गाइस, वीडियो में बनी रहिए। ये हो रही है तैयारी, मखाने और मूंगफली के दाने, और इधर बन रही है हमारी चाय। अरे नहीं, बर्थ में चाय के बिना तो मजा ही नहीं है अभी से। अच्छा, बर्थ में भी तुम्हें मजा चाहिए, कैसी हो? पता है मुझे फोटो की माता रानी का नाम लो, इतनी पसंद है ना गाइस, ये व्रत में ना मतलब एनी टाइम बना लेती हैं फोटो की पकौड़ी जब इनकी इच्छा करती है। मतलब मेरी सुनो, जब पहले जब मम्मी उम्मी व्रत रखती थी ना, तो मम्मी कहती पहले तुम लोग खा लो पेट भर के, तब हम बाद में अपनी देख ले। मुझे बहुत, और कुटू की पकौड़ी का स्वाद ना सिर्फ व्रत में ही आता है, वैसे अगर नॉर्मली बनाओ तो मजा नहीं आता उस चीज में। ये बता दियो कहते बस है? नहीं बहुत है, मूंगफली के दाने भी तो है। गाइस आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग फलाहार में क्या लेते हैं, और ये ऐसे नवरात्रि में मॉर्निंग जलपान में क्या लेते हैं। क्या? मैं अपने कॉलेज में थी तो वहाँ पे तो हम लोग तो यही पीनट कठिन लड़कियां मतलब कठिन बोले तो बहुत कठिन फास्ट रखती थी वो, ये कि 9 दिन नंगे पैर रहना है, मतलब डिपार्टमेंट भी जाती थी ना पढ़ाई करने, तो नंगे पैर और सिर्फ उससे फल से रह रही हैं, और कोई कोई तो मतलब कॉलेज में तो नहीं जाएगा, खाना खाती नहीं होंगी। हाँ खाना नहीं खाती, लेकिन कॉलेज में खाना बहुत अच्छा मिलता था। और क्या कहते हैं उसमें मेरी एक ताऊ की बेटी है, वो तो लॉन्ग टूंग के व्रत रहती है, अगर लॉन्ग मतलब चटक गई तो खाएंगी, वरना सिर्फ पान। श्रद्धा है यार अपनी अपनी, हम तो भैया मैं तो बिना नमक के नहीं रह सकती, मुझे शक्कर आने लगते हैं नमक नहीं जाए तो। माता रानी ये नहीं कहती कि भैया मेरे मुझे याद करो तो अपने आप को कष्ट दे के याद करो, बाकी सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, जो जैसे रखना चाहता है, लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं तो लोग बोलते हैं कि भाई हम ऐसे नवरात्र रखेंगे, रखते हैं लोग, तुम ही रख देना मनोकामना पूरी। हाँ मैं मनोकामना मैंने मांग ली, जब मेरी पूरी हो जाएगी तो मैं आप लोग को बताऊंगी।
अच्छा बताओ ये जब पूरी हो जाएगी तब बताऊंगी क्या है। अच्छा अच्छा चलो मैं थक गया, मैं जाना चाहता हूँ। अरे 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 अभी फूकूंगी। तो गाइस हमारी चाय बन गई, मखाने और मूंगफली के दाने, और यो अपनी नमकीन खा रहे हैं व्रत वाली फलहारी मिक्सचर। हेलो गाइस, हेलो गाइस, डोंट टच, मैं अलग दूंगी, अलग आप मम्मा देगी आपको। हाँ आपके जिसमें कप रखा है उसी में रख लेना आप। जा अपने कटोरी लेके आओ। मेरी माता रानी। तो गाइस मैंने जैसा कि आप लोग को ब्लॉग में बताया कि मैं आपको बताने वाली हूँ कि हाँ बेटा, हाँ ठंडक पानी, अभी मैं वीवो को ठंडक पानी दे दूँगा। ठीक ठीक ठीक, आपका फोन आ रहा है, वो चेक कर लो। इसमें सही बिछ गई? बहुत बढ़िया बिछ गई, सांस फूल जाती है चादर बिछाने में भी मेरी। तो गाइस मैं आपको बता रही थी, कुछ एक्सप्लेन करने वाली थी, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं कि मेरे सो कॉल्ड इन लॉज ने मुझे शादी के बाद क्या दिया है। तो मैं वो आपको सब एक्सप्लेन कर दूंगी, आपको बताऊंगी बिल्कुल, क्योंकि आप ही लोग हमारी फैमिली है। और जो लोग कह रहे हैं कि ये सब बातें आप यूट्यूब पर क्यों कर रहे हैं ये वो, अरे तो हमारी फैमिली आप ही हो ना, तो इसलिए हम यूट्यूब फैमिली से कर रहे हैं। जो सुनने में इंटरेस्टेड है वो सुने, और जो नहीं है उसका तो कोई इलाज ही नहीं है हमारे पास। और आप लोग गाइस प्लीज़ पूरे ब्लॉग देखा करिए, क्योंकि जो मुद्दे की बात होती है वो काफ़ी ब्लॉग्स में ऐसा होता है कि हम लास्ट में बोलते हैं हेलो गाइस, ठीक है। तो आप लोग पूरे ब्लॉग देखा करिए, फिर देखने के बाद फिर कमेंट करा करिए, क्योंकि काफ़ी सब जो हमारे सपोर्टर्स हैं उनको भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है आधे ब्लॉग देखने पर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, बहुत ज़रूरी काम है हमें एक, वो भी हम नेक्स्ट ब्लॉग में आपको पता चल जाएगा कि हम किस काम से जा रहे हैं। तो खाना वाना हो गया, मतलब फलहार कर लिया है हमने, चाय और मूंगफली के दाने जैसा कि आपने ब्लॉग में देखा। तो अब जाते हैं और मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। ऐसे ही आप हमें प्यार देते रहिए, ढेर सारा ब्लेसिंग्स देते रहिए, और हैप्पी नवरात्र टू ऑल। जय माता दी बाय, जय माता दी बाय, जय माता दी बाय, फिर से बाय, जय माता दी बाय बाय।